वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो ये फोम के आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गुड फ्रेंड कनेक्ट एप्लीकेशन के बारे में। गुड फ्रेंड कनेक्ट एप्लीकेशन को आप किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों बहुत ही स्टेबल और बहुत ही ऑनलाइन फ्रेंडली एप्लीकेशन है और बहुत ही यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस के साथ हाई स्पीड सर्वर आपको यहाँ मिल जाते हैं, जिन हाई स्पीड सर्वर को आप इजीली तरीके से यूज़ कर सकते हैं, वो भी आपके मोबाइल में। तो दोस्तों हम बताएंगे कि किस तरीके से इस एप्लीकेशन को आप यूज़ कर सकते हैं, जान लो इसकी सच्चाई एक ही वीडियो में। तो बने रहे वीडियो में। सबसे पहले एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके ओपन करना है। ओपन करते ही एप्लीकेशन का इंटरफेस कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देता है, जो कि आप देख सकते हैं। एप्लीकेशन ओपन होती आपके सामने, यहाँ पर एप्लीकेशन ओपन होती आपको एक ऐड दिखाई देंगी। छोटी सी ऐड को आपको देखना है, आपको ओके पर क्लिक करना है और यहाँ पर इस तरीके से कैंसिल कर देना है, जिसमें दोस्तों आप देखेंगे तो आपके सामने एप्लीकेशन कुछ इस तरीके से ओपन हो जाती है। सामने आपको कनेक्ट का ऑप्शन दिखाई देता है, इस एक आइकॉन पर आप ओके करके इस एप्लीकेशन के जो सर्वर्स है इनको ईजिली तरीके से यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर आपको जो सर्वर मिलते हैं आप इनको बिल्कुल फ्री में और अनलिमिटेड यूज़ कर सकती है। और दोस्तों कोई भी सर्वर को यूज़ करने के लिए सिंपली आपको यहाँ पर ऑटो पर क्लिक करना है। ऑटो पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक वीपीएन सर्वर लिस्ट ओपन हो जाती है, जिसमें आप देखेंगे तो आपके सामने यहाँ अनलिमिटेड वीपीएन सर्वर दिखाई देते हैं। इनमें से आप जो भी सर्वर यूज़ करना चाहते हैं सिंपली आपको उसके ऊपर क्लिक करके ओके करना है, और ओके करने के बाद आप उस सर्वर को ईजिली तरीके से वो भी वन टैप कनेक्टिविटी के अंदर ही यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों ये एप्लीकेशन की ये मतलब इसमें आपको थोड़ी ऐड ज़्यादा दिखाई देती है, लेकिन कोई अपनी काम बहुत ज़बरदस्त है एप्लीकेशन का। यहाँ नेटवर्क स्पीड टेस्ट आप कर सकते हैं, टेस्ट वाले आइकॉन पर क्लिक करके। सेटिंग वाले आइकॉन में यहाँ पर प्राइवेसी पॉलिसी और अबाउट अस का ऑप्शन देखने को मिलता है, और दोस्तों ऊपर की साइड में एक स्पीड टेस्टिंग वाला ऑप्शन आपको देखने को मिलता है। तो दोस्तों ये है गुड फ्रेंड कनेक्ट एप्लीकेशन, जिसके बारे में मैंने आपको पूरी तरह से समझा दिया है।